हम बता नहीं हम बोल गए। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं नहाने, कहाँ नदी में आज पता नहीं कौन सी नदी का नाम बता, कल्याणी नदी का नाम कल्याणी नदी, अमृतपुर कल्याणी नदी में अमृत लाने जा रहे हैं। ये फरतिया जी, ये हाथी और ये जो मजा है, ये हिंदुस्तान के हर युवा को देना चाहते हैं। वो भी सकते हैं, मतलब 100% 10% चांस है। अरे चंडाल चौकड़ी चलेगी ये हमारी बटालियन। तो गाइस हम जा रहे हैं नहाने के लिए, ये नदी। ओए यहाँ देख, ओए ये है, ये सब नहा रहे हैं यहाँ। ये ऊपर ब्रिज है, उसको करेंगे पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। जलपरी है तो गाइस ये हल्द्वानी की गोला नदी। गर्मियों के मौसम में नहाने आते हैं यहाँ लोग, जहाँ तक देखोगे दूर दूर तक सब नहाने आ रहे हैं। ये हमारे फरत्याल जी जूतों को हाथ में पकड़ के नंगे पांव गर्म पत्थरों में चल रहे हैं, पैदल यात्रा। तो गाइस पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हम पहुंच गए फिलहाल नदी के पास, नहाने आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। इतनी गर्मी है, रेता में हो रही है, तो राजस्थान में क्या हाल होते होंगे? राजस्थान में पता नहीं यार, चले राजस्थान। ये देखो मामा का पैंट देखो, खुल ही नहीं रहे, क्या हो गया? मेरी पैंट भीग गई, नहीं खुल रहे? ये वाली मेरे को, देखो मामा का पैंट ही नहीं खुल रहा है। थंबनेल में डालूंगा इसको, मामा का पैंट ही नहीं खुल रहा। ये सब नहा रहे हैं। डबल लवली चल रही है। ए डूब गया रे। ओए ये बाट ले, यहाँ की मछली मेरी, वहाँ की मछली तेरी, बुला घोड़े भर बेचते हैं भाई। ये फोन का हो जाएगा स्वाहा। तो गाइस ये आ गया नहा के, करो अरे नहा। तो गाइस ये देखो मस्त ठंडा ठंडा पानी हो रहा है, सब नहा रहे हैं मजे में। जलपरी ओए मेरा फोन वाटरप्रूफ नहीं है। घर को आंतिक बड़ी मुश्किल से पैंट खोला, पहना नहीं जा रहा है। ये ऊपर है हल्द्वानी से भीमताल वाला हाईवे। तो यार सभी लोग यहाँ पर नहा के तो खुश हैं, बट मामा के फेस पर भाई भाई का एक्सप्रेशन। हाँ तो फरतियाल जी कैसा लगा नहा के? मजा आया एक नंबर। ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के, ये जो मजा है ना हर हिंदुस्तान के युवा को देना चाहता हूँ। अच्छा हाँ जी कैसा लगा फिर?
मुझा है भाई। मामा कोई नहीं आया मजा। तो सभी लग गए घर को रास्ते। ये तो गाइस मिलते हैं सीधे बाइकों के पास, फिर चलते हैं घर को। यार बहुत थक गया है नहा के। कैसा लगा नहा के तेरे को? यार आज का एक्सपीरियंस ना मजा आ गया, लेकिन बाल मेरे तेरे को पता है कैसे हो गए। तो वैसे ही स्मार्ट नहीं हो तो थोड़ा खड़े बाल करने से थोड़ा फोटो तो अच्छी आती है। तो आप देख रहे हो वीडियो में कैसा लग रहा हूँ, बेकार वाले कमेंट मत मारना। स्मार्ट लौटा हूँ यार, थोड़ा आजकल ऑडी थोड़ा लगे ना। अगर डाउट हो तो मेरे फेसबुक पर जाना, विशाल एच मस्कुल, उस पर पुरानी फोटो देखने कितना स्मार्ट आजकल की चिड़ोगे। आजकल तो फोटो होने वाले भाई। तो गाइस ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ तीनों, और यहाँ पर गाड़ी धोने के लिए मस्त जुगाड़ बना रखा है लोगों ने। पीने का पानी भी है, और नीचे सामने नदी, और सामने है ये क्या कहते हैं इसे, सस्पेंशन ब्रिज। कभी वहाँ भी ले जाएंगे, वहाँ का भी बहुत अच्छा आता है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने घर। हल्द्वानी से रुद्रपुर आए टाइम वैसे भी गर्मी होती है, और रास्ता भी ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं, इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं मैंने। सीधे घर आए, खाना खाया और सो गए, तो अभी नींद खुली है। उसके बाद मैंने सोचा व्लॉग एंड कर लेता हूँ पहले, फिर एडिटिंग करूँगा, उसके बाद वीडियो डालूँगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो।